अगर पैसे से बिजनेस होता ना तो मतलब हिंदुस्तान में तो आप देखते हैं ना रोज कितने आ, पैसे लोगों के बिस्तरों से निकलते हैं घरों से निकलते हैं तो वो ऐसे पढ़े ना होते हैं सर आज की डेट में हर किसी को डॉक्टर लॉयर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है सबको जॉब चाहिए लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड जितना मैंने आपसे बात करी तो आई थिंक आप लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए एंड इन फैक्ट सोसाइटी को ओवरऑल डेवलप करवाने के लिए तो कैसे कर रहे हो आप लोग और एग्जैक्टली क्या क्या कर रहे हो आप लोग नहीं हम लोग मिशन इंटरप्रेनरशिप में हैं मेरे को लगता है कि हर घर से कोई ना कोई इंटरप्रेनर जरूर बनना चाहिए हम लोग की टैगलाइन ही है कि भविष्य की तैयारी तो हर घर से एक कारोबारी हमारा मानना है कि अगर हस्बैंड uh, है तो उसकी अगर जॉब में है तो उसकी वाइफ को है स्पाउस को कुछ काम करना चाहिए अगर तीन भाई हैं किसी परिवार में तो एक भाई को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो अपना बिजनेस करेगा अगर कोई किसी के दो बच्चे हैं तो उसको ये सोचना चाहिए कि हम डॉक्टर इंजीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट आई बनाने के सोचते हैं तो एक बच्चे को ऐसा सोचे कि वो बिजनेस स्टेब्लिश करे और इसलिए जरूरी है कि बिजनेस जनरेशन के लिए होता है एक आई ये नहीं कह सकता कि वो अपने बच्चे को एक क्लर्क भी बना देगा पर एक बिजनेस मैन कह सकता है कि वो जब जाएगा तो अपने बिजनेस एक अपना एम्पायर अपने परिवार के लिए छोड़ के जाएगा तो मेरा मानना है कि जरूर इंटरप्रेनरशिप होगी जब इंटरप्रेनरशिप होगी तो जॉब अपने आप आ जाएंगे डेफिनेटली सर जैसे आप आप लोग क्या क्या कर रहे हो इस चीज को आगे और नर्चर करने के लिए सोसाइटी तक पहुंचाने के लिए अभी हम लोग शुरुआत हम लोगों ने की थी कि हम लोग इंडस्ट्रीज में जाते थे वहाँ के वीडियोस बनाते थे उसका पर्पज़ ये था कि लोग पहले इंडस्ट्री जाने चलती कैसे अगर आप कोई काम को ऑब्जर्व कर लेते हैं देख लेते हैं तो आपको लगता है ये हम कर सकते हैं तो पहले तो लोग ये इंटरप्रीनरशिप के लिए आगे बढ़े तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी थी जो हम लोग वर्कशॉप्स के थ्रू वेबिनार के थ्रू टू से कर रहे हैं अभी कोविड पीरियड में वेबिनार एक फैशन बन गया है लेकिन हम लोग तब से करते थे फेसबुक पे यूट्यूब पे इस पर लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा रीच पाँच एक क्लासरूम की साइज़ पचास हो सकती है सौ हो सकती है पर अगर आप नेट के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो एन नंबर ऑफ लोग आपसे कनेक्ट हो सकते हैं तो अवेयरनेस ज़रूरी है कि अपॉर्चुनिटी क्या है मार्केट में इंडस्ट्री में किसी भी आप वेस्ट मैनेजमेंट में काम करना चाहते हो तो आप जाने ना वेस्ट कितने तरीके का होता है ई वेस्ट क्या होता है एग्रो वेस्ट क्या होता है कंस्ट्रक्शन वेस्ट क्या होता है उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा तो ऐसे हम लोगों ने 57 सेक्टर्स पे एक्सपर्टाइज डेवलप की उसमें एग्री भी है उसमें फूड भी है उसमें प्लास्टिक भी है उसमें सीमेंट भी है उसमें जो है वो मल्टीपल सेक्टर्स हैं जिनमें हम लोग उसके अंदर इंडस्ट्रीज को डेवलप किया और उसका इन टू इंड सोल्यूशन डेवलप किया हम वेबिनार नहीं करते केवल नाम बताने के लिए अवेयर करने के लिए हम आपको जो है वो उसका एक्सपर्ट से भी कनेक्ट कराते हैं उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी देते हैं उसकी मशीन्स के बारे में भी आपको बताते हैं कौन बेस्ट अवेलेबल है उसमें कौन सी स्कीम गवर्नमेंट की लगेगी वो भी बताते हैं आपके लिए बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाते हैं आपको बैंक तक पहुँचाते हैं और उसके बाद एक साल तक आपके बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के बाद एक साल तक नर्चर करते हैं ये हिंदुस्तान का अकेला प्लेटफॉर्म है और जो वर्चुअल है पर वर्चुअल सिर्फ नाम का नहीं है जिसके पीछे करीब साढ़े तीन सौ लोगों की एक्सपर्ट्स की प्रोफेशनल्स की टीम लगी हुई है जो इनको सारा सपोर्ट करती है तो इन इन टू इन सोल्यूशन है फॉर इंटरप्रेनरशिप के लिए ये हम लोग कर रहे हैं और इसका तरीका यही है कि हम लोग वर्कशॉप और सेमिनार और यूट्यूब से लोगों के अवेयरनेस लेते हैं फिर उनको किसी सेक्टर में रजिस्टर्ड करते हैं मेंबरशिप देते हैं फिर उस सेक्टर में उनको नर्चर करते हैं जो भी हमारे पास बिज़नेस मॉडल है फिर जब वो बिज़नेस मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसकी पूरा इन टू इंड उनका उनको जो है वो न केवल जानकारी देते हैं लोगों से भी कनेक्ट कराते हैं बैंक से भी भी कनेक्ट कराते हैं हैं फाइनली उनको बनने के बाद भी एक साल तक नर्चर करते सर so, तो मतलब जैसे अगर मान लो कोई है जो कि में एंटर करना चाहता है किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में घुसना चाहता है सो लाइक यू आर सेइंग कि आप कह रहे हो कि एंड टू एंड मतलब शुरुआत से लेके एंड टू एंड सॉल्यूशन आप लोगों से प्रोवाइड करते हो चाहे वो इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज हो चाहे एक्सपर्ट से कनेक्ट करवा के उसे हेल्प करवाना हो अगर कोई कैपिटल की नीड है 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 तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें कैसे उसके सपोर्ट कर सकती है? तीन तरीके के लोग आते हैं हमारे पास पहला वो है जिसको कुछ नहीं बनना है। एक ऐसा हम एक स्टार्टअप डालना चाहते में काम करना चाहता हूँ मैं जो है वो छोटा स्मॉल बिजनेस रूरल एरिया में करना चाहता हूँ मेरे पास ये फंड है तो हम आपको कहते हैं ठीक है आप एज ए स्टार्टअप कैटेगरी में हमारे साथ रजिस्टर्ड हो जाइए या फूड की कैटेगरी में रजिस्टर्ड हो जाइए या आप सीमेंट की कैटेगरी में रजिस्टर्ड हो जाइए तो उसको हम सेक्टर में उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं जब वो मान लीजिए फूड कैटेगरी में रजिस्टर्ड हो गया तो उसमें 200 बिजनेस मॉडल्स हैं उसको देखें स्टडी करें समझे हम लोग कहते हैं ना कि कम से कम पढ़ने के लिए सत्रह साल लगाते हैं अठारह साल लगाते हैं फिर कहते हैं जॉब दो पर बिजनेस जो है वो सत्रह दिन में करना चाहते हैं ये पॉसिबल नहीं है वो रिसर्च करता है फिर वो हमारे पास आता है कि मेरे को जो है वो ये माइक्रोनी का बिजनेस करना है फूड प्रोसेसिंग में तब हम उसको सप्लायर से मिलवाते हैं उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट देते हैं जो ऑलरेडी उसके डोमेन में भी अवेलेबल है वो डाउनलोड कर सकता है उसका वीडियो देखता है वो उस पर हम पाँच घंटे दस घंटे के एक्सपर्ट टॉक भी रिकॉर्ड करते हैं मतलब उस इंडस्ट्री का या तो जो इंडस्ट्री को चला रहा है या उसका कंसल्टेंट या वो कोई सप्लायर उससे पूरी टॉक रिकॉर्ड करते हैं जैसे कि जनरल बेसिक जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे उसमें रहते हैं फिर उसके बाद वो ओपन होता है कि नहीं मेरे को ये इंडस्ट्री लगानी है तो फिर हम उसको सप्लायर से ही, हम भी कनेक्ट कराते हैं आजकल इतने सारे कि उनसे बात कर सकता है। अगर आपने बिजनेस ही नहीं जाना तो आप कैसे कैसे बात करेंगे तो फिर वो उसके बाद मशीन सेलेक्ट करता है जब वो सेलेक्ट कर लेता है तो हम उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंक के बिल बना उसको देते हैं

तीन लोग हो गए ना पहले को कुछ तो आइडिया तो नहीं बिजनेस करना है तो पहले उसको नचर होना पड़ेगा ना दिल्कुल, एक दिल्कुल। को आइडिया है पर इंडस्ट्री लगानी है उसको तो उसको लोगों से कनेक्ट हम कराते हैं उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट देते हैं उसको आइडिया है कुछ ना कुछ वही अगर आप कह रहे हो ना ये बिजनेस करेंगे तो कुछ आइडिया तो लेके आए हैं ना तो हम उसको सोल्यूशन उसे दे तीसरा वो है कि जिसके पास पैसा है ठीक है लेकिन आइडिया नहीं है हाँ। तो पैसे की तो लिमिट है ना किसी हाँ। के पास पांच लाख हो सकता है किसी के पास पांच करोड़ हो सकता है तो एक एक पांच करोड़ वाले और पांच लाख वाले का एक, एक ब्रैकेट स्टैब्लिश हो जाता है कि ये पांच करोड़ में ये आज की डेट में इंडस्ट्रीज जो हैं वो जो है वो मतलब ट्रेंडिंग है या कह लीजिए मार्केट को सूट कर रही हैं ये दस ट्रेंड चल रही हैं इनमें से हम सजेस्ट करते हैं फिर उनमें से जो वो सेलेक्ट करता है उसको हम वो बिजनेस कराते हैं तो okay. ये बेनली तीन कैटेगरी के लोग आते yeah. हैं जिनको हम अलग अलग उनके अकॉर्डिंग उनको मेंबरशिप देते हैं और जिससे कि वो हमारे साथ एक साल तक नर्चर होते हैं सर आप लोगों ने इतना काम किया है इस ऑन्टरशिप के डोमेन में आप मतलब अकॉर्डिंग टू यू ऐसी आपको क्या चीज़ें लगती है कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के वैसे कि एम्प्लॉयमेंट में क्या प्रॉब्लम है वो तो डेफिनेटली है कि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट की कमी है फिर स्किल्स की भी कमी है स्किल डेवलपमेंट पे भी बहुत लोगों के काम नहीं हो रखा लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो ऑन्टरप्रनरशिप का स्पेस है प्रॉपर इस डोमेन में क्या सबसे बड़ी बड़ा इशू चल रहा है इस वक्त क्या प्रॉब्लम चल रही है ऐसी जो कि आप लोग भी सॉल्व करने पे फोकस कर रहे हो और डेफिनेटली जो एड्रेस करना बहुत जरूरी है इस वक्त देखिए क्या है ना कि सबसे ज़्यादा जरूरी है नॉलेज कोई भी चीज़ और नॉलेज इस डोमेन में अभी भी अवेलेबल नहीं है आप 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 इंजीनियरिंग करते हैं आप जो है वो डॉक्टर बनते हैं अगर आप एम करते हैं तो वो एक सब्जेक्ट की नॉलेज देता है जो आपको इन डेप्थ तक पहुँचाता है इंटरप्रनरशिप की अभी भी लोगों में मतलब फर्स्ट जनरेशन जिनके बिजनेस हैं जिनकी फैमिली उन बिजनेसों में रही है तो उनको एक इन जनरल नॉलेज होती है पर एक नया जो फर्स्ट जनरेशन इंटरप्रन्यर है उसको कुछ भी नॉलेज नहीं और ये डोमेन में अवेलेबल भी नहीं है कि आप आप अगर कोई मैं uh, जो है वो कहूँ कि uh, एक uh, बी कीपिंग का बिजनेस बहुत अच्छा है या मैं कहूँ कि जो है वो अगर आप राइस मिल डालोगे तो बहुत अच्छा तो मेरा मोटिव है ना उसके पीछे मैं तो उसका एक्स कंसल्टेंट हूँ या उसके मैं मशीन का सप्लायर हूँ तभी तो ये बात कर रहा हूँ पर आप कैसे जानो कि क्या बिजनेस अच्छा है इसलिए हमारे चॉइस होनी चाहिए आज जब हमने वर्चुअल इनकोबेटर डाला तो हमारा मानना था कि डिस्कवरी हिस्ट्री ऐसे चैनल्स

तो लोग जब इसकी जैसे मैंने कहा ना सत्रह साल पढ़ते हैं लेकिन सत्रह दिन में बिजनेस करना चाहते हैं तो जब आप नॉलेज गेन करने लगते हो तो वो सपोर्ट सिस्टम आपको हम प्रोवाइड करते हैं क्योंकि तो पहले तो आप में क्यूरसिटी होनी चाहिए ना आप कुछ कहीं ना कहीं से यूट्यूब चैनल से यहाँ से आएंगे फिर इन डेप्थ नॉलेज और वो इको सिस्टम बनाना जहाँ पे गवर्नमेंट क्या स्कीम दे रही है कौन सी मशीन अच्छी है क्या जो है वो इंडस्ट्री जो है वो आज की डेट में जिसको कहते हैं कि मार्केट के लिए सुटेबल है तो ये सारा कुछ एक प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करना ये अभी और कोई नहीं कर रहा है मतलब इवन हम कहेंगे गवर्नमेंट भी ऐसा इकोसिस्टम अभी तक नहीं बना पाई है जहाँ पे हमको किसी से बिजनेस रिलेटेड सप्लायर भी मिल जाए एक्सपर्ट्स भी मिल जाए सब मिल जाए जैसे कि हमको जो बिजनेस करना है उसके लिए एक पूरा इको तैयार हो तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अगर ये इको हम डेवलप कर ले गए कि आपने कहा कि मेरे को एक ऑयल मिल लगानी है तो कोई कहे कि नहीं मैं मशीन मशीने ये पचास तरीके की मशीनें हैं कोई कह नहीं सर ये मैं लैंड आपको दे रहा हूँ फूड यहाँ पे ट्वेंटी फोर आवर्स सप्लाई रहती है कोई कंसल्टेंट आए कि मैं मार्केट करने को तैयार हूँ कोई आए जो है फूड चैन आपसे कहे कि मैं इसका मार्केटिंग टाइप करने को तैयार हूँ तो ऐसा एक इको एक बनना चाहिए और जो जल्दी बनेगा आज हमने शुरुआत की है पर आगे और लोग भी इस पर जुड़ते जाएंगे एक एक सवाल मेरे से बहुत लोगों ने पूछा है इसी चीज़ के उसमें कि लोग मतलब मैं बोलूँगा सवाल भी नहीं है इट इज़ लाइक के लोगों ने कहा है कि अगर कैपिटल मिल जाए ना फंडिंग मिल जाए बस तो हो जाएगा तो आपका इसमें क्या मानना है कि सिर्फ पैसे अगर किसी को दे दिए जाए तो वो कर लेता है अगर पैसे से बिजनेस होता ना तो मतलब हिंदुस्तान में तो आप देखते हैं ना रोज कितने आ, पैसे लोगों के बिस्तरों से निकलते हैं घरों से निकलते हैं तो वो ऐसे पड़े ना होते हैं ना हर आदमी बिजनेस कर रहा होता है पैसे से बिजनेस नहीं होता बगैर पैसे के बिजनेस ज़रूर होता है अगर पैसा ना हो तो भी बिजनेस हो सकता है पर केवल पैसे से बिजनेस नहीं हो सकता इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसका लेकिन आपको प्लान क्या है आपका आपने कब सही टाइम क्या है आपने इंडस्ट्री क्या सिलेक्ट की आपकी टीम क्या है आपका मार्केटिंग प्लान क्या है बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड होता है आपके कितना भी पैसा होगा कहीं ना कहीं वो रुक जाएगा हाँ ठीक है हो सकता है आपका सस्टेन करने का पीरियड बढ़ जाए लेकिन अगर आपका जो है वो प्लानिंग आपकी प्रॉपर नहीं है तो आप फेल हो जाओगे तो बिजनेस मॉडल जो है वो पैसा मांगता है लेकिन जरूरत ये है कि टाइम के हिसाब से बिजनेस करना क्या टाइम है और उसके हिसाब से क्या बिजनेस है? एक आज 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 है। आज बाइजू ने जो है वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को जिन्होंने अरबों रुपए इन्वेस्ट कर रखा था उनके पीछे छोड़ दिया एक मोबाइल जो है वो गेम ने जो है वो मतलब हम जब मानते थे कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री वही है जो इंडिया की टीम को परचेस करती है इंडिया की टीम क्रिकेट टीम में जिसका लोगो होता है ना तो अब ड्रीम इलेवन का आता है क्या है लेकिन उसने बड़े बड़े पेप्सी जैसी ब्रांड को भी रिप्लेस कर दिया चार सौ लोग उस को रन कर रहे। पर वो बड़ी चार हजार करोड़ की कंपनी को पीछे छोड़ चुकी है बहुत पहले तो ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या बिजनेस कब और कैसे करना है तो ये सबसे जरूरत की चीज है फिर तो पैसा लोग पीछे लेके खड़े हो जाते हैं जब आज बिजनेस मॉडल सक्सेस हो गया ना तो लोग आपके पास पैसा लेके आते हैं कि हमारा भी पैसा लगा लें तो पैसा सेकेंडरी फैक्टर है ऐसा नहीं प्राइमरी आपके हिसाब से एकदम की इज के सही टाइम पे सही बिजनेस मॉडल को सही, सही जगह पे चूज करना चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए आपको नॉलेज भी आई थिंक जैसे आपने अभी बोला बहुत बड़ा गैप है अगर आप आप कोई कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कैसे फेल कर सकते हैं नॉलेज के ज्ञान नहीं जो भी इंडस्ट्री में आप अगर आप स्टार्टअप इंडस्ट्री लगा रहे हैं जरूर पास आपका बैकअप बैक होना चाहिए जिसको टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो जिसको सोशल मीडिया की नॉलेज हो अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाह रहे हैं तो आपके पास ज़रूर जो है ऐसे लोग होने चाहिए जो सही मशीन को सही पैरामीटर पर पे डिफाइन कर पाएँ मशीन लगाने से पहले प्रोडक्शन से पहले उसके बेचने का जिनके पास अनुभव हो या कम से कम एटलीस्ट उनके पास वो वो टाइप हो तो वो तभी आता है जब आप उस इंडस्ट्री में घुसते हैं उसको समझते हैं उसको इन डेप्थ करते हैं मैं भी बहुत लोगों को सजेस्ट करता हूँ क्यों आप मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे हैं पहले आप ट्रेडिंग में आके इस प्रोडक्ट की ट्रेडिंग करके मार्केट जान लीजिए फिर इंडस्ट्री तो लगी जाएगी पहले जब बिकने वाला होगा तो इंडस्ट्री लगाने में क्या दिक्कत है इंडस्ट्री लगा पैसा ज्यादा लगता है ट्रेडिंग में कम लेकिन मार्जिन ही बहुत होता है जहाँ पे दस परसेंट मार्जिन है वहाँ ट्रेडिंग में जो है वो बहुत कम मार्जिन होता है मैनुफेक्चरिंग में बहुत मार्जिन होता है तो मैनुफेक्चरिंग कभी भी पीछे नहीं रह सकती है इसमें आपने जैसे आई आई अभी काफ़ी काम कर रही है तो मतलब आ, बहुत लोगों को ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिसके बारे में लोगों को मालूम ही नहीं है इस, मतलब जैसे लोग बोलते हैं कि हमें ये एक पर्टिकुलर करना है ऐसे काफ़ी सारे लोग भी हैं जिनके पास प्लान भी है नॉलेज भी है काफ़ी खुश हो गया उनको सपोर्ट करने के लिए अब गवर्नमेंट स्कीम्स हैं काफ़ी सारी एग्जिस्ट करती हैं लेकिन लोगों को मालूम नहीं है उस चीज़ के बारे में तो उसमें क्या गैप है जिसको हम फिल कर सकते हैं और क्या चीज करने की जरूरत है और ऐसी कौन कौन सी स्कीम्स हैं एक्चुअली में लोगों को वो भी नहीं पता तो आप अगर उनके बारे में तो। तीन तरीके से मेनली इसको हम देख देख सकते हैं एक तो सेक्टर वाइज स्कीम होती हैं ओके जैसे फूड प्रोसेसिंग की अपनी स्कीम है जैसे पी एम एफ एम स्कीम अभी आई हुई है जिसमे इसमें आपको थर्टी फाइव परसेंट तक सब्सिडी देती है गवर्नमेंट उसके अलावा आपको नाइन्टी परसेंट तक फंड भी है पी एम जो जो है वो ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की स्कीम है ऐसे स्टार्टअप सेक्टर के लिए अलग स्कीम है जो है वो हार्टिकल्चर सेक्टर के लिए अलग स्कीम है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अलग स्कीम है देख सो सेक्टर वाइज बहुत सारी अब बात करेंगे तो दो तीन दिन हम स्कीम पर बात कर सकते हैं फिर जनरल स्कीम्स हैं जैसे मुद्रा आप बहुत सुनते होंगे आप पी एम ई जी पी स्कीम बहुत सुनते होंगे आप सी जी टी एम एस सी स्कीम बहुत सुनते होंगे ये जनरल स्कीम है लगभग लगभग सब इंडस्ट्रीज़ पे ट्रेडिंग पे मैन्युफैक्चरिंग पे ये सब लागू होती हैं फिर बैंक की स्कीम होती हैं बैंक टू बैंक स्कीम डिफर करती हैं बहुत सारे बैंक्स अपनी स्कीम्स निकालते हैं कि हम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपको दे रहे हैं हम आपको जो है वो विदाउट कोलेटर लोन दे रहे हैं आपको टर्नओवर पे ट्रेडिंग पे आपको लोन इन 59 मिनट्स भी स्कीम है तो ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं जो अलग मैंने वही कहा ना कि आप ढूंढने निकलेंगे ना तो सब कुछ आप डालिए तो हमारी वेबसाइट पर ही आ जाइए तो हमारे पोर्टल पर सारी स्कीम्स पड़ी हुई हैं इवन फिर स्टेट गवर्नमेंट वाइज स्कीम्स अलग अलग होती हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग होती है स्टेट गवर्नमेंट की अलग होती है, तो भंडार है लेकिन आपको हर जगह दो तरीके के लोग मिलेंगे कहते हुए एक आदमी मिलता है कि वो, अम, हमको जो है वो लोन नहीं देता ठीक है ये, बोलते है ये बोलो बैंक लोन नहीं देता बोलते आप वो लोग भी पाते होंगे ना जो कहते हैं कि हमने जो है वो नौकरी के लिए अप्लाई किया था हमको नौकरी नहीं मिल रही है हुँ. एक लाख लोग एप्लीकेशन देते हैं और उसमें से जो है वो सौ वैकेंसी सेलेक्ट एक लाख भी नहीं शायद दस लाख लोग देते हैं एक हजार वैकेंसी के लिए ठीक है आप मान के चलिए कि इससे बहुत छोटा रेशियो है जो लोग लोन अप्लाई करते हैं उनको जिनको लोन सेंक्शन मिलता है तो मान के चलिए ना कि आपकी कैपेबिलिटी आपकी मेहनत वो भी मांगता है पूरी पूरा बैंक के पास भी लिमिटेड फंड है और आपके पास भी एक्सपीरियंस नहीं है वो तो पैसा दे रहा है आपको अपना पैसा लगा रहा है जिसको वापस करना है पब्लिक का पैसा है वो उसका अपना भी नहीं है तो आपको पूरा उस तरीके से तैयार होना पड़ेगा आपको अपने को ऐसे प्रेजेंट करना पड़ेगा कि आप सच में नॉलेज रखते हैं फिर क्यों नहीं बैंक का काम ही है लोन देना तो बैंक तो लोन देती है ना किसी तो को तो देती है।, है तो मेरा मतलब है कि कल जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी हाँ। आपको समझना पड़ेगा अपने आप को अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंटेबल कराना पड़ेगा अपनी नॉलेज बेस्ड जाते हैं कि सामने वाले को कॉन्फिडेंस आता है ऐसा नहीं होता कि आप सीधे पेपर लेके चले गए और आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता तो उसका कॉन्फिडेंस कैसे आएगा तो वहाँ पे भी जरूरत है और लोन मिली न मतलब मैं तो कहना चाह कि आप इससे पहले कि आप किसी भी स्कीम के लिए जाओ किसी भी लोन के लिए जाओ किसी भी चीज के लिए जाओ अप अप अपनी प्रोफाइलिंग अपनी प्रिपरेशन अपनी प्रिपरेशन अपनी प्रोफाइलिंग है तो फिर आप कितनी भी कमी कमी निकालते रहो फिर तो आपको हर जगह दिखे आपने आपने लोन लिया उसको हाँ। टाइमली पे नहीं किया तो दोबारा लोन कैसे मिलेगा देखे आपका देखे। सिविल खराब होगा तो वो आपकी आज की डेट में जन्म कुंडली है फिर आप गवर्नमेंट को जो है वो दोष दें या आप कोई भी बहाना उसके लिए ढोड़े कि नहीं नहीं वो मैंने लोन जमा किया था सेटलमेंट हुआ था मेरी एक इंस्टॉलमेंट वो कुछ नहीं आपको जो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन अगर बिजनेस में जाना है तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपकी इंस्टॉलमेंट अगर पहली को ड्यू होती है तो आपको चार दिन पहले जमा करनी है अगर आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन ठीक है तो बैंक आपको कंसीडर जरूर करेगा और अगर मान लो कोई लोन उस पर नहीं भी जा रहा है हाँ तो डायरेक्ट कोई स्कीम गवर्नमेंट की नहीं तो ज्यादातर तो तो गवर्नमेंट स्कीम एप्लीकेबल होती है। हैं तो वो लोन बेस्ड होती हैं क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो आपकी एनालिसिस कर सके आपको असेस कर सके गवर्नमेंट ने स्कीम तो लॉन्च की इंप्लीमेंट किससे करेगी अगर सब्सिडी तो नहीं होगी ना तो वो सब्सिडी तो बैंक के थ्रू देगी ना और बैंक अप्राइजल करेगी वो आपको जज करेगी कि ये सही है कि नहीं है तभी सब्सिडी मिलेगी तो उसमें फंड आप कम ज्यादा ले सकते हो पर बैंक का फंड होना इंपॉर्टेंट होता है उसमें तभी गवर्नमेंट की सब्सिडी डिसबर्स होती ज्यादातर स्कीम में

कोई भी समाधान के पास आता है है तो समाधान 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 उनको देते हैं नहीं समाधान नाम ही ऑर्गेनाइजेशन का जिसको 1999 में हाँ। किया था तेईस साल हो गए तो हमने कभी भी कोई चीज अधूरी नहीं की है जो भी काम किया है उसको एंड तक ले जाने की बात की अगर आपकी हैंड होल्डिंग करते हैं तो आर, मतलब हैंड को जो है वो बीच पे नहीं छोड़ते उसको हम तब तक होल्ड रखते हैं जब तक आप सफलता ना पा जाए और इसके जैसे कोई आपके पास मतलब बहुत सारी ऐसी स्टोरीज भी आप लोगों ने क्रिएट करी है जिन्होंने काफी अच्छा किया है कभी आप कभी ऐसा हुआ एक कोई ऐसी स्टोरी जो आपने नोटिस करी हो जिसमें एकदम आपको लगा हो कि कोड कुड डन वेरी वेल लेकिन कुछ गलत हो गया जैसे कोई no. ऐसी स्टोरी या कुछ ऐसा नहीं no. no. जहां, जहां तक स्टोरी के बात है, के बात है। ये गलती कर दी इस ने क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों के साथ होता क्या है कि लोग सबको सक्सेसफुल बनना है बट लोग लोगों की गलतियाँ देख के रिस्क होता है हुँ. तो आप आ, ये नहीं कह सकते कि, कि बिजनेस में जो है वो रिस्क नहीं है हंड्रेड परसेंट सोलूशन या हंड्रेड परसेंट गारंटी देने वाला कोई बिजनेस नहीं हुँ. है क्योंकि बिजनेस एक बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जहाँ तक सक्सेस स्टोरी की बात है हमने अपने पोर्टल पे करीब पाँच हजार सक्सेस स्टोरी डाल रखी जिन्होंने खुद आके बोला है मतलब वो वो नहीं है जो हमने हमने उनको वो किया है उन्होंने खुद आके प्लेटफॉर्म पे रिकॉर्ड करके दिया है और वो भी हमने अभी दो साल से रिकॉर्ड करना शुरू किया है कहीं ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज है पर फेल होने के बहुत रीजन है बहुत जगह लगता है कि कभी कभी क्या होता है कि आपने कोई मशीन लगाई उसका अल्टरनेट आ गया तो मतलब कोई ऐसे भी एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने 20 करोड़ रुपए मशीन में इन्वेस्ट किया और वो उसका मशीन का अल्टरनेट डेढ़ करोड़ में भी आ गया तो उनके इन्वेस्टमेंट कुछ दिन के बाद कैटे क्योंकि उनके पास इंटरेस्ट का लोड मैन पावर का लोड पावर का लोड सब कुछ ज़्यादा है तो उनकी मैनुफैक्चरिंग कास्ट मार्केट से हम जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही है तो सर्वाइव नहीं कर पाए क्योंकि टेक्नोलॉजी का चेंज आ गया कभी कभी क्या होता है कि मार्केट लोग गलत जो है वो टाइम चूज़ कर लेते हैं या गलत टाइम आ जाता है कि जैसे आज की डेट में आप बात करें कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं जैसे पूरा का पूरा आईटी टी ही चेंज हो गया हम हम बात करेंगे या हम जैसे डिजिटल मीडिया की बात करें या हम बात करें कि हम कोई ट्रैवल एजेंट बनने जा रहे हैं तो अब ट्रेवल एजेंट के लिए कोई पहले से कन्वेंशनल होता था कि लोग एक दुकान खोल लेते थे उसमें ट्रैवल एजेंट का बोर्ड लगा लेते तो आज भी लगाते हैं आज भी चलता है लेकिन आज के सेनयों में कहाँ वो ठीक है जब सब कुछ सोशल मीडिया पर अवेलेबल है आप अपना पूरा पैकेज प्लान कर लेते हैं अपनी ट्रिप प्लान कर लेते हैं तो कौन जाता है वहाँ पर तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो टाइम के साथ जो है वो, वो बिज़नेस ऑफसिलट हो जाते हैं या चैलेंजेस क्रिएट हो जाते हैं या जो है वो आ, कहीं पे चॉइस में गड़बड़ हो जा सक हो जाती है और कोई हंड्रेड परसेंट परफेक्ट नहीं होता इसलिए मैं ये कह दूं कि मैं कोई भी बिजनेस दूंगा जो हंड्रेड परसेंट परफेक्ट होगा और हंड्रेड परसेंट सक्सेस होगा ऐसा कोई फार्मूला नहीं है इंटरप्रेनरशिप रिस्क से शुरू होता है अगर आपके पास जिगर है तो भी आप जो है वो इस 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 बिज़नेस में आइए आप अपने को इंटरप्रेनर बनाइए ज़रूरत है मतलब और फिर सफलताएं भी उसी हिसाब से मिलती हैं कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि एक ऑंटरप्रेनोर में होनी ही चाहिए मतलब अगर मान लो जैसे कोई आता है समाधान के पास राइट तो अंडर आई आई जब आप लोग हेल्प कर रहे होते लोगों की तो आप लोग क्या देखते हो एक ऑन्ट्रप्रनोर जब आता है सोल्यूशन लेके या फिर कोई आता है कहता है कि मेरे को इस इंडस्ट्री में काम करना है मेरे पास नॉलेज भी है मैं समझता भी इंडस्ट्री का इनफैक्ट उसने काम भी करा हुआ उस इंडस्ट्री में तो जब आप उसके साथ जुड़ते हो उनको जर्नी में गाइड करते हो आगे एनरिच करते हो तो उसके बीच में मतलब आप क्या चीज़ एक ऐसी जो आपको लगता है ये चीज होनी चाहिए किसी भी बिजनेस में होनी चाहिए सबसे ज्यादा जो है वो जो मेरे को लगता है बिजनेस की जरूरी जरूरत है वो क्विक लर्नर होना चाहिए मतलब सीखने की उसको हैबिट होनी हुँ. चाहिए मतलब वो जो है वो मतलब नॉलेज तो क्योंकि ये एक प्रोसेस है बिजनेस जो है वो आ, वो ऐसा कोई नहीं है कि आपने एक शॉप शटर से उठा दी और वो बिजनेस चलने लगेगा आपको रोज नई चीज आएंगे नए प्रोडक्ट्स आएंगे नए आपके वेंडर्स होंगे नए तो आप पस, आपके आपके पास आप लर्नर होंगे तभी आप उन चीज़ों को लर्न करके अपने बिजनेस को अकॉर्डिंग चेंज कर पाओगे आप एक अच्छे कम्युनिकेटर होगे अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तभी आप लोगों से बात कर पाओगे तो उसका प्रेजेंटेशन उसका डेडिकेशन उसकी जो है वो सीखने की क्षमता ये बहुत माने रखती है जैसे हम लोग ना कोई पैसा लेके आ जाए और कह दे मेरा बेटा भी है इसको बिजनेस करा दो हम उससे पाँच शट बात करेंगे बता देंगे ये पैसा आपका वेस्ट जाएगा क्योंकि तो उसमें वो कैपेबिलिटी पता चल जाती है ये बहुत ये ऐसा वो है जो जिसको आपको मतलब समझना पड़ता है और लेकिन दिख जाता है तो अगर ऐसी कैपेबिलिटी है तो मेरे को लगता है ये बंदा कर ले जाएगा सर अभी आपने जैसे बताया कि आंतरप्रशिप के लिए आई थिंक ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के अंदर कि क्विक लर्नर होना चाहिए आई काफ़ी काम कर रही है वेल एक्सपर्ट आपकी आप ही का एक डोमेन है उसमें समाधान भी है तो ये चीज़ें जैसे क्या है मतलब और कैसे कैसे क्या चीज़ का क्या रोल है सोसाइटी के डेवलपमेंट में

Uh, उसको इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कहते हैं आई आई वो समाधान की ही एक बॉडी है जिसमें जो अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में विद मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है उसमें हमारे पास यूपी गवर्नमेंट भी है उसमें एन भी है के भी है इनके साथ मिलकर ये इंस्टीट्यूट है तो उसको हम लोग को जो है वो ज़्यादातर इनक्यूबेशन और इस प्रोसेस में यूज करते हैं ऑयल एक्सपर्ट जो है वो वो डोमेन है जो हमारा इसी का एक कारपेट वर्जन है जैसे आप कहते हो ना स्टार्टअप कंपनी है वो जो सारा टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन काम करना चाहती है मोबाइल ऐप है कॉलेजेस के लिए करीब 50 प्लस यूनिवर्सिटी से हमारा टाइप है बहुत सारे कॉलेजेस से टाइप है हम उनके लिए मोबाइल ऐप लेके आ रहे हैं उनके लिए कंटेंट लेके आ रहे हैं तो एक वर्टिकल है जो उसके लिए एज ए कार्पेट सेक्टर भी काम कर रहा है एक तरफ हम सोशल वेंचर की तरफ काम कर रहे हैं लेकिन क्योंकि हमारी जो है वो कंपटीटर बहुत बड़े बड़े लोग हैं बाइजू वेदांतूज और ये सब जो है एडूटेक में काम कर रहे हैं तो हमने एक स्टार्टअप कंपनी भी इसका फेस डाला है जिसको अभी एक साल ही हुआ है लेकिन हम धीरे धीरे उसमें भी काम करके उसका डोमेन और बढ़ाएंगे आई आई और समाधान लाइक दिस इज द ये आपका जो मेन विंग आपका है तो इसमें जिसे अगर कोई भी है जो कि ऑनटरप्रनरशिप आगे परस्यू करना चाहता है और वो जुड़ना चाहता है

स्टील एल में किसी में भी एक सेक्टर पर अगर आप काम करना चाहते हो तो हम कहते हैं उसको एजीक्यूटिव मेंबरशिप फिर अगर आप चाहते हैं कि हम नर्चरिंग भी करें एक, एक साल के लिए अपना इंटरप्रीनरशिप प्रोग्राम है हमारा सौ घंटे का वो भी दें आपको एक कस्टमाइज प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी दें आपको और सपोर्ट करें तो उसको हम एसोसिएट मबरशिप कहते हैं और एक कारपोरेट मेम्बरशिप है तो एक मैंबरशिप प्लान है सबकी अलग अलग सर्विसेज हैं तो उसके हिसाब से कोई भी आप वेबसाइट पे अगर हमारा मोबाइल ऐप है इंडिया लाइफ वेबसाइट है में कहीं भी जाके वो मेंबरशिप लेके हमसे कनेक्ट कर कुछ भी नहीं आप में सिर्फ ये होना चाहिए कि आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं हाँ। तो आप इससे जुड़े और आप केवल अवेयरनेस करना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल है जिसको आप अपना सब्सक्राइब करें और उस पर देखें अवेयर हो जाए तब आके मेंबरशिप लें

ऑनट्रप्रिनशिप से रिलेटेड बात होने लग गई है इनफैक्ट कुछ कुछ स्कूल्स में तो सिखाने भी लग गए हैं राइट right? काफ़ी सारे स्कूल्स में प्रोग्राम्स भी होते हैं तो इसमें आपको क्या लगता है कि जैसे क्या चीज़ अभी करने की ज़रूरत और है और अभी जो जितना भी किया जा रहा है क्योंकि अभी बस आई थिंक इंट्रोड्यूस ही किया गया हल्का सा तो मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत से जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है अगर उसको शुरुआत से ही आप इस चीज़ से मैं बोलता हूँ कि अगर उसे बनना नहीं भी है

तो अब तो दस साल की डॉक्टर की तैयारी करेगा तो हम उसको इंटरप्रेन के बारे में कैसे बता सकते हैं इसलिए माइंडसेट बच्चों का तभी चेंज करने की जरूरत है कोई बच्चा कहे नहीं डॉक्टर नहीं मेरे को नर्सिंग डॉक्टर पढ़े वो पर वो बात करे कि उसको नर्सिंग होम खोलना है मैदानता जैसा हॉस्पिटल खोलना है डॉक्टर तेहन जो है वो डॉक्टर नहीं रह गए अब वो जो है वो एक बहुत बड़े इंटरप्रेन्योर हो गए ना तो ठीक है उसको अगर उसको जो है वो फाइनेंशियल डोमेन में जाना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़े पर इस विजन के साथ पढ़े कि उसको अपनी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना है उसका फाइनेंशियल फाइनेंस डोमेन संभालना है एक बच्चा जो है वो एमबीए की तैयारी करे तो इसलिए तैयारी ना करे कि उसको कहीं जाके एक मैनेजमेंट की तरह किसी का नौकर बनना है उसको जॉब देने के लिए कंपनी डालनी है और जिसकी लिए उसको मैनेजमेंट स्किल जाननी तो बच्चों में ये कुब्बत जो है वो ये माइंडसेट जो है वो बचपन से आना चाहिए तभी आएगा जब वो समझे इंडस्ट्री क्या होती है इंटरप्रीनरशिप क्या होती है इसका प्रोसेस क्या है इंडस्ट्रीज़ क्या है इसलिए हम लोग जो है वो गवर्नमेंट ने तो आप सोचना शुरू किया है हमने तो 3600 घंटे का कंटेंट डेवलप किया है सिर्फ कॉलेजेस के लिए जो उनका करिकुलम है कि बच्चे करिकुलम पढ़ने आए तो फिर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करें फिर हमारे प्रसाद प्रोजेक्ट पे काम करें आज स्कूल्स में जो है वो ज़्यादातर प्रोजेक्ट माँ बनाती है या फोटो वाली शॉप बनाती है अरे बच्चे एक्चुअल इंडस्ट्री देखें और फिर जो है उसका प्रोजेक्ट बनाए हमने ये काम किया है और बहुत सारे स्कूलों से हमने उनके साथ ऐप लॉन्च किया और हम लोग स्कूलों के साथ काम कर रहे हैं गवर्नमेंट की स्कीम भी अभी जस्ट आई हुई है जिसमें वो आ, इनोवेशन सेल को इंटरप्रनेशन इनो, इनोवेशन सेल इस स्कूल्स पर भी डेवलप करने की बात कर रहे हैं काफ़ी सारे बच्चे भी हैं सेवेंटीन टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन की एज में जो कि जिन्होंने डेफिनेटली मेहनत करी है और वो कुछ किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की नॉलेज भी रखते हैं उन्होंने काफ़ी उसमें स्टडी भी की है सब कुछ भी किया है लेकिन शायद एक सपोर्ट सिस्टम की कमी है उन लोगों को तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं या क्या एक्चुअली में हो रहा है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है और वो लोग वहाँ से हेल्प ले सकें बहुत छोटे बच्चों से आप मिलेंगे ना जिस एज की बात कर रहे हैं आप तेरह चौदह से पंद्रह सोलह साल उसमें से पचास परसेंट बच्चे कहेंगे हम क्रिकेटर बनना चाहते हैं नहीं और वो क्रिकेट खेलते हैं फिर पढ़ाई करते हैं क्रिकेट को भूल जाते हैं होता है ना ये सही कोई कोई ना कोई फुटबॉलर बनना चाहता है बहुत जोर से बनना चाहता है और वो भूल जाता है मैं उसको रिवर्स बता रहा हूँ बच्चों को आज की डेट में माइंड सेट करो कि इंटरप्रन बनना है उसको पढ़ाई कराओ उसको जॉब कराओ पर जब जैसे कहते हैं ना कि जब जब लोग कहते हैं खेलने की उम्र नहीं रही ना कहते तीस साल के हो गए अब खेलने की उम्र नहीं रही

कुछ भी करते टाइम उसके पास हो गए यार ये बिजनेस करना है और जब वो एक्सपीरियंस गेन कर लें नॉलेज गेन कर लें एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन गेन लें एक सिक्योरिटी गेन कर लें तो उसके बाद वो उनके लिए पूरा आसमान खुला है तो उसके बाद वो इंटरप्रेनरशिप में है तीस साल पैंतीस साल में सत्रह साल में इंटरप्रेनरशिप नहीं होती ये क्लियर है सत्रह साल में इंटरप्रनशिप पे प्रोजेक्ट किया जा सकता है इंटरप्रनरशिप को समझा जा सकता है सत्रह साल क्या है? कभी भी जा सकता है उसको डर का नाम है क्योंकि आप जब पैंतीस साल के अंदर शादी हो जाती है जिम्मेदारियां हो जाती है तो आपको पचास हजार की नौकरी बहुत बड़ी लगती है पांच लाख रुपए आप इन्वेस्ट करके बिजनेस नहीं शुरू कर सकते क्योंकि लगता है की शादी अभी खो जाएगा तो वो डर उसका हट जाएगा क्योंकि उसने बहुत कुछ सीख रखा होगा कुछ प्रोजेक्ट्स कर रखे होंगे नहीं यार मैंने तब किया था तो आप क्यों नहीं कर सकता तो अच्छा होगा यार सर एक आखिरी सवाल मेरा आपसे एक ऑन्टरप्रनोर के लिए जो कि ऑलरेडी है या फिर अगर कोई बनना भी चाहता है तो उसके लिए आपकी तरफ से क्या सेंट्रल मैसेज आप देना चाहोगे कि ये है और वर्क एथिक की तरफ वो मतलब क्या अपने वर्क एथिक में एक चीज़ ऐसी रखे ड्यूरिंग देयर जर्नी जो कि बहुत जरूरी है आपके हिसाब से कि ये चाहिए। नहीं जो अगर है तो मैं तो उसके लिए यही कहूँगा कि मतलब एक तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप क्योंकि मेरा मानना है कि नेशन बिल्डिंग के लिए अगर कोई भी इंटरप्रेन्योर है तो वो टैक्स देता है वो टैक्स देता है बड़ा टैक्स देता है तो इसी से देश चलता है तो एक मेरे हिसाब से तो एक वॉरियर है वो उसका रिगार्ड होना चाहिए क्योंकि वो एक दूसरों के लिए काम कर रहा है वो शायद तीस दिन काम करता है तो उसमें 20 दिन वो बैंक के इंटरेस्ट देने के लिए काम करता है तो एक उसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए और उसको जो है वो सबसे ज्यादा है कि अपने को चेंज करते रहना चाहिए बहुत तेज जो इन्वायरमेंट पहले दस साल में चेंज होता था वो तीन साल में चेंज हो जाता है आने वाले समय में जो तीन साल में चेंज होगा वो एक साल में चेंज होगा अगर आपने प्रोडक्ट को अपने स्ट्रेटीज को अपनी मार्केट को रिवॉल्व नहीं करते रहेंगे तो आप फेल हो जाएंगे तो अब आपको इंडस्ट्री के साथ दौड़ना है तो आप जिस भी इंडस्ट्री में हो जो भी बिजनेस कर रहे हो आपको उसको उसकी हर बारीकी को समझना है और तुरंत डिसीजन लेके अपने अपने चीज़ को मॉडिफाई करते रहना है नहीं।, नहीं तो आपको रुकना नहीं है जैसे ना दुकान खोल ली सोच रहे चलता रहेगा ऐसा नहीं है आपको हर बार उसके साथ इंडस्ट्री के साथ चलना पड़ेगा तो ये बहुत ज़रूरत है और जो बनना चाहता है वो तो मतलब हम लोग हैं उसके लिए मेरा मानना है कि वो आगे आए और ज़रूरत है कि हो सकता है कि पहली इंडस्ट्री फेल हो जाए हम लोग कहते हैं कि तीन जो है वो तरीके हैं कि आप जो है वो जॉब करें आप जो है वो कुछ दिन जॉब करने के बाद एंटरप्रनर बने पर तीसरा तरीका जो है वो इंटरप्रेन्योर बनने के बाद जॉब कोई नहीं करता अगर आपने इंटरप्रेन्योर बन गए ना तो फिर आप इंटरप्रेन्योर ही रहो अगर मन बन से बने तो आप नौकरी करने वाला आप कोई भी नहीं पाएंगे जिसने मन से इंटरप्रेनोरशिप की हो वो फेल होगा फिर खड़ा होगा फिर फेल होगा फिर खड़ा होगा वो इंटरप्रेन्योर ही बनेगा तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं इस फील्ड में आइए हो सकता है कि थोड़े चैलेंज आए हो तो� सकता है कुछ समय के लिए आपको जो है वो हार्डवर्क करना पड़े हो सकता है कुछ समय के लिए आपको पार्टी और अपने सेल्फ कंफर्ट को भूलना पड़े लेकिन फिर आपको ये दिल भर के देता है और सबसे बड़ा तो जनरेशन के लिए देता है अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपनी परिवार के लिए निश्चिंत हैं क्योंकि एक चीज़ तो आपके पास है जो आगे कैरी फॉरवर्ड होगी और वो जनरेशन तक चलेगी अब आगे वाले वाली पीढ़ी उसको और आगे बढ़ाएगी या उतना मेंटेन करेगी पर आप उनको एक पूरा एक लेगेसी देकर जाते हैं तो किसी ने पूछा है कि अंबानी के बच्चे जो है वो कहाँ जॉब करेंगे या किसी अच्छी इंडस्ट्री वाले से कोई पूछता है कि बच्चे क्या करेंगे उनको पता है इनके बच्चे क्या करेंगे ये तो करेंगे ही एटलीस्ट ये तो करेंगे ही अगर और अच्छा कर सकते हैं या और और चॉइस है तो वो बच्चों की है तो ये एग्जिस्टिंग जो जो भी नया करना चाहता है उसको सोचना है कि थोड़ी रास्ते कठिन है लेकिन इसमें मंजिल बहुत अच्छी है डेफिनेटली सर आप लोगों ने बहुत सारे की हेल्प बहुत सारे लोगों को बनाया है 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 एंड ये पूरी जर्नी रही रही तो सर आपकी क्या स्टोरी रही है इसमें इज योर पार्ट पहले तो हमने किसी को बनाया नहीं है ये सबकी किस्मत है सब अपनी किस्मत लेके आते हैं अपने हिसाब से कोई किसी को बना नहीं सकता मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही जुड़ा हुआ है कि मैं एक छोटे से शहर से आया और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सपना लेके आया जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने लगा तो लगा कि नहीं अपना कुछ करना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर हम बिज़नेस वालों से इंटरेक्ट करते थे फिर इस डोमेन में आए कि हम लोगों को इंटरप्रेनर बनाने के लिए उनकी फंडिंग के लिए उनके फाइनेंशियल उसके लिए हम उनकी हेल्प करने लगे तब नीड की जरूरत हुई कि सबसे बड़ा गैप जो है वो आज की डेट में इसका है कि लोग इंडस्ट्रीज़ लगाएं हर आदमी जॉब की तरफ दौड़ रहा है और इंडस्ट्री लगेगी कैसे जब तक नॉलेज ही नहीं है एज ए इंडिविजुअल हम पांच इंडस्ट्री के माहिर हो सकते हैं दस इंडस्ट्री समझ सकते हैं लेकिन हजारों इंडस्ट्रीज और लाखों लोगों को आपको तैयार करना है तो एक कोई ऐसा मोटिव एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आपको डेवलप करना पड़ेगा जहाँ पे लोग आए hmm. तो इसको हम लोगों ने जो है वो समाधान हमारी जो भी सोशल इंटरप्राइजेज है वहाँ पर हम लोगों ने इसको एक पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश की लोगों तक पहुंचने के लिए जो है वो हम लोगों ने मोबाइल ऐप का नेट का यूट्यूब का इसका सहारा लिया तो ऐसे ही चीज़ें बढ़ती गई आज की डेट में जो है वो तीन साढ़े तीन सौ लोगों की हमारी टीम है जिसको हम कहते हैं कि मतलब मेहनत तो वो करते हैं हम तो सिर्फ जो है कहीं कहीं पर चेहरा बन जाते हैं और एक ईमानदारी से एक मिशन के लिए लगे हुए हैं और ये ईमानदारी यही कहती है कि लोगों को जैसे कहा ना कि आप इतना जरूर सिखाओ और इतना मन से सिखाओ कि आपको लगे कि हाँ आपका मोटिव है कि इसको बनाना इंटरप्रेन बनाना इसको आगे बढ़ाना हम कुछ बेचने के लिए नहीं निकले हमने क्यों सोशल इंटरप्राइजेज को ही सिलेक्ट किया हम कोई कंपनी डाल सकते थे कुछ भी इसीलिए सेलेक्ट किया कि ये इसका विज़न ही है कि एक विज़न और मिशन ही है कि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरप्रेनोर हों हमारी सोसाइटी में लोग जो है वो इंटरप्रेनोर को एक अलग दर्जा मिले हर आदमी नए नए चीज़ों को सीखे और आज बहुत अच्छा इकोसिस्टम बनता जा रहा है उसने भी हमको हेल्प किया फिर इस कोविड पीरियड ने भी जो है वो हमारे लिए जो है वो क्योंकि उस टाइम हम लोग सोशल मीडिया पे पहले से थे और अभी भी हमने जो किया है वो शायद पाँच परसेंट भी नहीं है अभी बहुत कुछ करना है हर बिजनेस के बारे में आप जानना चाहो कि जो आप टी शर्ट पहने कैसे बनती है तो हम बता सके इसका धागा कहाँ मिलता है इसकी पेंटिंग कहाँ होती है इसकी मशीन क्या होती है इसमें कारीगर कितने लगते हैं हर चीज़ वो छोटी सी चीज़ मैं तो ऑब्जर्व करता हूँ तो मैं सोचता हूँ ये इंडस्ट्री मेरे पास नहीं है ये भी होनी चाहिए ये इंडस्ट्री मेरे पास नहीं ये भी होनी चाहिए पता नहीं कब कहाँ से कोई आएगा और पूछने के लिए कि क्या आप इसकी जानकारी दे सकते हैं तो हमारे पास नो करने का कोई ऑप्शन ना हो हमारे हमारे सिर्फ यही सपना है और हमारी टीम डेडिकेटेड टीम लगी हुई है लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं आप हमारे साथ जुड़े हैं ऐसे लोग जुड़ते जाएंगे और अच्छे मन से और अच्छे मिशन के साथ काम करेंगे तो हमको लगता है कि सफलता ज़रूर मिलेगी यही हमारी जो है वो जर्नी है इसी पे हम लोग लगे हुए हैं एक ही मिशन है कि हर घर से एक कारोबारी जरूर होना चाहिए